हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब वर्ल्ड टेलीविजन टीटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी से अनुरोध है कि आप सब अच्छे होंगे, और जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि हम जो सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगर बनने का इच्छुक रखते हैं, तो जैसा कि माना जाता है कि जिसमें स्वर और राग का लय अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे जगह हैं हमारे देश में, इंडिया में, कि बहुत सी जगह में आदमी को उनका गुरु नहीं मिलता है। आज गुरु नहीं मिलने के कारण आदमी अपना इच्छुक को मार देता है। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है कि इसे आप व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने से प्रयास करें, अभ्यास करें, जो भी गाना आपको अच्छा लगता है उस गाने को लेके, उसी सुर और उसी लय से लेकर आप उस गाने को गाएं। देखिएगा, आप एक गाना को अगर 4 बार 5 बार सुनते हैं तो आपको है कि पूरा कंठस्थ याद हो जाता है। तो उसी हिसाब से जो भी गाना है, आप जिस भी गाने का है उसको आप धीरे धीरे गुनगुनाएं। गुनगुनाने के बाद में उसको आगे देखें, गारंटी 100% है कि वो गाना आपको याद हो जाएगा। और वो गाना याद हो जाएगा जहाँ पे आपको गड़बड़ी लगे, वो गाना को वहाँ से फिर से सुने और किस अंदाज में वो गाना चल रहा है वही अंदाज से आप वो गाने को गाएं। आप देखिएगा, बेस्ट रहिएगा। इसमें कोई स्वर और लय का बात नहीं रहता है। लय जैसे है कि आप अपने अंदाज से लय को ले जा सकते हैं। जिस समय तो रुकता नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से आपको गाना पड़ेगा। गाना अगर मेरा स्टार्ट हो रहा है सा सा रे, तो वही हिसाब से, वही अंदाज से आपको भी गाना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे जगह है, जैसे कि मैं एक बार नैनीताल गया था, वहाँ देखा मैं बहुत अच्छा अच्छा रोड में सिंगिंग होता है, स्टेज प्रोग्राम होता है, वहाँ आदमी भाग लेता है, गाता है। पर वो आगे बढ़ने का इच्छुक इसलिए नहीं रखता है कि वो गरीब परिवार से है, वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है जितना उसको लगना चाहिए। एक सिंगिंग के लिए, इंडियन आइडल आइडियल तक पहुंचने के लिए आदमी 5 साल रिवाइज नहीं करेगा, क्योंकि 5 साल रिवाइज करेगा तो वो खाएगा क्या, वो कमाएगा या खाएगा। तो इस आधारित पे हमारे इंडिया में बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसी के लिए आज ये बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप बिना गुरु के भी गाना को अपने अंदाज में गा सकते हैं। और कहा गया है कि जब पत्थर घिस सकता है रस्सी के बल पे, तो आदमी क्यों नहीं गा सकता। आखिर आदमी ही तो घिसा है उस पत्थर को, और पत्थर काट के रास्ता निकाला है, वो गाना क्यों नहीं गा सकता। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी कोई, जो भी भाई बहन हैं, माँ हैं, दीदी हैं, वो गाने का अभ्यास रखते हैं, गाना बजाना, सुनना, गाना पसंद करते हैं, वो जरूर इस बारे में सोचे और ये बात को आगे माइंड में ले और कोशिश करें कि वो गाने का रिहर्सल करें अपने से और गाना गाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गुरु मंगा नहीं सकते, म्यूजिक क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ और ये बात मैं बता रहा हूँ कि आप इससे भी आगे लाइफ स्टाइल में बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और मैं अगर अच्छी बात बताया हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट जरूर कमेंट कीजिएगा।
थैंक यू दोस्तों।